पड़ोस के परिवार पर लगाया। जोगी हाट की मटियारी पंचायत अंतर्गत अंजवा गांव वार्ड संख्या 10 की रोना खातून ने थाने में आवेदन देकर कहा कि मेरे पति अरशद आलम उम्र 35 वर्ष पिता बहारुद्दीन को भूमि विवाद को लेकर 16 अप्रैल को मारपीट की गई थी, जिसका इलाज अब तक चल रहा था। इलाज के दौरान शनिवार की सुबह उसके पति की मौत हो गई। उसका इलाज अररिया पूर्णिया व पटना से भी कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखा। संगीन मार के कारण खून पेड़ों में जम गया था। मृतक पत्नी रोना खातून ने कहा कि उसके पति को भूमि विवाद में सलीमुद्दीन मरगूब मतीन, तस्वीर तनवीर रूबी व रिहाना ने बेरहमी से डंडे से मारपीट की थी, जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उन लोगों ने पुलिस की मदद लेनी चाही तो मुखिया अयूब व पंचायत जनप्रतिनिधियों ने केस से मना किया और उन्होंने कहा कि हम लोग बैठ कर मामले का फैसला करेंगे, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों ने अगली पार्टी से रिश्वत लेकर हमें पंचायत में आपसी समझौता नहीं किया। मुखिया अयूब आलम मोटा पैसा लेकर चुप हो गए। लोग का इंसाफ करना है, क्या कानून क्या बनाना है, सरकार कानून किस लिए बनाए है, इंसाफ के लिए। अपने तो हमें मालूम नहीं है, तो कंप्लेंट जो है जोकी में हुआ है, जोकी हाट थाना में। जी हाँ, जोकी हाट थाना में हुआ कंप्लेंट। जी आवेदन दिए, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। जी इसके बाद जो हम लोग महिला थाना अररिया गए। जी जी, और वहाँ के जो है प्रभारी जो है जी, जो है ये बना के दिया हमको, कागज बना के दिया। उसके बाद हम एसपी के यहाँ गए, और एसपी यहाँ के जब गए हम लोग, एसपी को वो आपत्ति दिए हम लोग, एसपी जो है फिर यहाँ फोन किया, फिर हम लोग को यहाँ भेज दिया। रात में ये जो है लिखा, उसके बाद फिर जो है इसको लेकर के हम लोगों को लेकर गया अररिया, और पोस्ट मार्टम करके अभी लेके आया। क्या मामला है इसका? इसका मारपीट का मामला है। मारपीट? जी हाँ। और कब हुई थी मारपीट? ये 16/4 को हुई है मारपीट। 16/4 को हुई है। बोलता है कैंसर बीमारी? नहीं, कैंसर का बीमारी नहीं है, मार की वजह से जो है इसका। वो तो बचने के लिए तो। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रकीब। हम ना छन परिवार दी शादी कर जल्दी दी शादी करे एक बात वो बेटा उमर छोड़ी दी कि दिन तो हम एक मरलन परिवार हमर बुढ़वा पर वो जे उपनो छ कि बेटा से कमी आग नहीं दे रही से खेत जे रह छी नीचा में तो उचास मोटी दे छी नीचास मोटी दे छी जब वहां मोटी दिवल जा छी तो कोदार ले दौड़ी छ काटे क्या बेटा काटिए तो उपनो छ बेटा से पूछल छ काटे बार बार 10 वो जमीन कते छी? वो जमीन बाद हम छी बादक जमीन के झगड़ा छी जब जबरन वो मने की कब्जा के आग रखी दे छी। भैया री बिठाम कब्जा कर लो ये जमीन। देखो भैया यहां नजरी में घर है। अच्छा ठीक ठीक ढुकलो छ आ बेरो छ ई घर के गाची हमरे साथ में। हां टैक्स लग गया। वो ताकत पर छी पैसा वाला छ लास्ट पक्षी मर को भाग रहे कैसा पक्षी मर को भाग रहे आ तो नहीं लाग लो छ पक्षी मर को भाग रहे उलन ना दे छ अब तो चल ना जाने दे पैसा को लो जब ना को मारे छ आदमी कहिया भी झंझट दी महीना पहले भी ले की सब लाग मिल गेले किरण किरण मिल गेले मैं कल पहले लाग लेली ओकर अलग वाला उठा लाग लेली टाका लेगो टाका बचावे में रहली टाका बचावे में रहली ओकर बाद बूढ़ा बूढ़ी ठुकल के बूढ़ा बूढ़ी ठुकल के बाद मुक्का तुक्का ओकनो से मुक्का तुक्का लेगो ठुकल के कुथो यहां पिटनो ला दी पुथो ऊपर झारे यहां पिटना यही पिटना लेकर के यही पिटना लेकर इसलिए ना हो जा एक ठो के घटा नहीं निकल जेलो बट अल्लाह पेट में मैं खाली खाली पेरू मारे खाली बले को रखी बले को अतरी पर भी कर मर्द फरले से नहीं जाऊ दिन लाश भली बहुत दिन बले कर मर्द पुलिस आप कर मोगी वो अगला पार्टी सबको करते के सब रहेगा सब केकर परिवार छे नाम बोले सब बोले राती बोला जे सलीम पहले नंबर सलीम को बाप और बाप क्या बच्चा है उगर छह बेटा से तीन बेटी छ और सबको मिली के मने की नहीं बेटी इतना नहीं श्री चार बेटा छ हां बेटा के चार के थे चार बेटा भरो रहे
चार बेटा घर में सही बोल छै गलत नै बोल चार बेटा रे घर में एक बाप रे पांच जने अपना रे तीन पुत्र त थाना पुलिस भी मिलले थाना पुलिस जे छै ले आ कहियो निम्बर से रोकी देलखिन कलकि बने का इलाज करो महिला इलाज कल के सासु हमर हसम में हमर मालिक बोलले दरो छै सिन बाबा वे हमर से गोली तो लेनिक देले ओकर बाद रोजा पर गेली बुखार ली भितरे भितरे सब को बोली जौन डीज जौन डीज सब में दवा खिलेते रह गेली लागल अरे पूर्णिया पूर्णिया लागल वो बोली ने मार पीट छ मार पीट छोरा बोली कर मार पीट छ वो पूना पूना बनी बेटा पूना पूना बनी करा हां की भाग जमी गई ओकर बाद फिर हमरा वो पूर्णिया में दवा दे बोला पटना पटना में 1.5 लाख में कम से कम माल पर इलाज के ओकर बाद वो पटना वाला कहला नहीं जखम भाग लूं से मार पीट भी करूं सर जखम भाग दी ने तो मारे के बाद ही बीमारी भिलिस की ने पहले से बीमारी रहे पहले बीमारी पहले बुखार भी नहीं आवे ओ मार पीट हुए के बाद सब बीमारी भिलिस हुआ मार पीट हुए के बाद बीमारी भी सब देखो छु ओकर बाद हम पटना वाला डॉक्टर कहला कि नहीं भाई तू पूरा घर ले जा यहां ले आइल हन सब का गई तक बने आ गया ना जेने हमर माल को दम टूटलो का गई तक यहां रेलो सब कुछ बोलिए आ खते लिया ठीक है क्या बच्चा है इतना चार बच्चा है की नाम बोलू तोर यही तो वजह है ना अभी क्या वही मारपीट हुआ फिर उसके बाद दवाई दवाई किए उसको इलाज नहीं हुआ अब तो परेशानी परेशान है हम लोग उसको लेकर इंसाफ नहीं मिल रहा है और बच्चे है छोटे छोटे चार वो है उसका वाला खिलाने वाला तो कोई है ही नहीं कितना रुपया दे दिया है रात में गए थे थाना आप लोग थाना में रिपोर्ट लिखा हुआ अरड़िया एसपी मैडम से बात किए थे जोकी जोकी अरड़िया भी गए थे जोकी बड़ी मामला में झगड़ा है झगड़ा में बच्चा महिला वो दिया रोटा पर तो उठा का चलता पेड़ा पर तो उठा बाप की नाम बोलू तोर बहरुद्दीन मैंने तोर से आरोप छी की हम मैलो गेली से आरोप नहीं जी बोल रहा है आरोप मारा गया है मारा गया है आज सारे सब कोई बीमारी नहीं था कोई यादी बुखार आप लोग को शिकायत करना चाहिए ना शिकायत वाला मुखिया ने बड़ा हमको बर्बाद किया हो वही लोग मैंने कि इसमें मुखिया पेटी चोदा पटसना मुखिया पेटी चोद पटसना आरोप नहीं दिया गया तो हकीकत बात है उसी को मिल रहा है झगड़ा करे छु मुखी करे अगला भल्लिया मल को है हम मुखी जे लूं जगरों से मल को रात करो वो अपन बेटा बने अपना मुथो चिरी लिल की ओकर बाद वो प्रकार का पकड़ी मोहिल की मुख्य मेंबर बोली कर बेटा मुथो पड़ी दी तोर मो आप इनका इंसाफ दिला दीजिए जो हक इंसाफ है वो इंसाफ दिला दीजिए बना रहे हैं अपनी सपनों का घर तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार हैजा सीमेंट आर्टिकल लेकर आया है इंटरलॉगिंग टाइल प्रकाश बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल बदलती जमाने को देखते हुए आधुनिक मीनू फैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल हमारा पता है हैजा सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरवेस्ट कंट्रोल डोरिया सोनापुर अरेंजा।
आपके शहर में पहली बार मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टायर्स लेकर आया है प्रीकास्ट टॉयलेट प्रीकास्ट वॉन्डीपॉल इंटरलॉकिंग टायर्स चिकाल टायर्स फ्लोर टायर्स फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टायर्स। आप अपनी फैक्ट्री घर आंगन बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टायर्स रामपुर मोदरकटी अरेरिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स जिसका पता है 8B चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।